चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं रहेगी यार, वो सवाल ही गायब हो जाते हैं। अच्छा चलो ऐसे रखते हैं बस, ठीक है। नजर आ रही है स्क्रीन? क्वेश्चन 10 में रेजिडुअल वैल्यू को नहीं, क्वेश्चन 10 कौन सा था जो कल वाला? नहीं, स्क्रैप वैल्यू इन्फ्लेटेड होती है जब तक कि उसने खुद करंट प्राइसेस ना लिखा हो। अच्छा जी, आ जाए जनाब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। हाँ जी, जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं है वो मंडे तक मिल जाएगा आपको। संडे को बैठ के, बल्कि सैटरडे को मैंने टीए के साथ बैठ के रिव्यू करने हैं। मंडे को मिल जाएगा आपको जिनके आंसर नहीं है या गलत आंसर है, ठीक है। आवाज आ रही है बेटा जो घर से पढ़ रहे हैं? चलो बस, चलो भी जवानों बस खामोश हो जाओ। आ जाए जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपको एक डायग्राम से नजर आ रही होगी। हाँ जी बेटा खामोश हो जाए, ओ गल्ला मार लो मेरी, आज इधर। अच्छा बेटा, किसी भी कंपनी के लिए पैसा लेने के दो मेन सोर्सेज होते हैं, एक को कहते हैं इक्विटी और दूसरे को कहते हैं डेट। यानी कंपनी जब फंड्स रेस करती है तो या तो शेयर्स इशू करके करेगी या लोन लेगी। कंपनी जब भी ये पैसा लेगी, चाहे इक्विटी से ले या चाहे डेट से ले, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी फाइनेंसर हैं जो कंपनी को पैसा देते हैं वो कंपनी से बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न डिमांड करते हैं। मसलन जब शेयर होल्डर को पैसा लेके जब पैसा लिया जाता है तो कंपनी से डिविडेंड डिमांड करते हैं और कंपनी को वो डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो डिविडेंड पेमेंट को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इसी तरह जब कंपनी डेट लेती है तो डेट इन्वेस्टर कंपनी से जो अपना रिटर्न मांगता है वो इंटरेस्ट की मद में मांगता है। इंटरेस्ट इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि वो कंपलसरी है। कंपनी चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे लॉसेस में जाए, कंपनी ने इंटरेस्ट इन एनी टाइम एट एनी कॉस्ट कंपनी ने वो पे करना ही करना है, ठीक है। तो कंपनी के जो डेट होता है उसके बदले कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ती है। इंटरेस्ट पेमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट। तो किसी भी कंपनी में इक्विटी फाइनेंस या डेट फाइनेंस होगा, और डेट भी एक तरह का नहीं होगा, डेट भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। डेट भी कई तरह के होते हैं, जितनी तरह के डेट होंगे तमाम तरह के जो भी डेट्स हैं उन तमाम डेट्स पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो जो तमाम डेट्स की कॉस्ट है वो आपकी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ डेट। अब ये एनपीवी निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट, ये डिफरेंट रेट हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम इसको सिंगल रेट में कन्वर्ट करने के लिए इसकी एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसकी वेटेड एवरेज निकालेंगे, ताकि ये जो मल्टीपल कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट के रेट्स हैं ये सिंगल रेट में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए? ताकि फिर हम इस पे एनपीवी इस्तेमाल निकाल सकें या हम इसको अपनी डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल कर सकें। क्या ये बात समझ आ रही है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल असल में किसी भी कंपनी के जो फाइनेंसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो वो कंपनी से डिमांड करते हैं। और कंपनी क्योंकि पैसा लेने पे मजबूर है तो कंपनी उनका डिमांडेड रिटर्न उनको पे करती है। कंपनी के पॉकेट से जब ये रिटर्न जाता है तो कंपनी की ये कॉस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइनेंसिंग कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फाइनेंसिंग कॉस्ट, और भी इसके नाम है। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो उसने क्या जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑल फाइनेंसर्स ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द रिस्क दे फेस इन द कंपनी। वो रिस्क को देखते हुए कंपनी से रिटर्न डिमांड करते हैं। रिस्क से क्या मुराद है?
रिस्क का मतलब यह है कि उनके पैसे डूबने का खतरा तो नहीं। रिस्क इस चीज को भी कहते हैं कि उनको जो रेगुलर इनकम मिलेगी क्या वो कंफर्म है या उसमें कोई डाउट्स है या वो अनसर्टन है। तो जो आपके डेट इन्वेस्टर होते हैं ना, उनका इंटरेस्ट इनकम गारंटीड होती है। डेट इन्वेस्टर की इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी सिक्योर्ड होती है कई दफा। लेकिन जो इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी सिक्योर नहीं है, और किसी साल कंपनी डिविडेंड देती है किसी साल कंपनी डिविडेंड, तो उनकी डिविडेंड इनकम भी गारंटेड नहीं है। तो यानी पैसे भी सिक्योर नहीं है, इनकम भी सिक्योर नहीं है, किसकी? तो अगर आपसे पूछा जाए किसका रिस्क ज्यादा है, डेट इन्वेस्टर का या इक्विटी इन्वेस्टर का? क्यों रिस्क ज्यादा है? पहली बात, एक तो उनकी इनकम डिविडेंड इनकम गारंटेड नहीं है। दूसरा, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो कई दफा इक्विटी इन्वेस्टर के या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पैसे डूब जाते हैं कंपनी, क्योंकि कर्जे वापस करने में ही सारे एसेट्स पूरे हो जाते हैं या उसके बाद प्रेफरेंस शेयर की वापसी होती है। ठीक है, शेयर्स भी दो तरह के हैं ना, ऑर्डिनरी शेयर और दूसरे कौन से हैं? चलो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में फर्क क्या होता है तो सब नहीं बोलेंगे, एक एक। हाँ जी, आप बताएं जी। ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, हम वैसे प्रेफरेंस शेयर को डेट मानते हैं, लीगली वो वैसे कैपिटल है, लेकिन हम इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हम इसको डेट मानेंगे, डेट नहीं है वैसे, हम डेट की तरह ट्रीट करेंगे, रिडीमेबल पावे रिडीमेबल पाई, हमने इसको डेट ही मानना है प्रेफरेंस शेयर को। ऑर्डिनरी में और प्रेफरेंस शेयर में क्या फर्क है? क्या फिक्स? हाँ, पहली चीज रेट ऑफ डिविडेंड, हाँ इनका जो डिविडेंड रेट है वो वेरिएबल होता है और इनका फिक्स होता है। क्यूमुलेटिव होना जरूरी नहीं है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है इनका, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। क्या नहीं, हम नहीं मानते, हमारे लिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमारे लिए जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, प्रेफरेंस वालों को ऑर्डिनरी वालों से पहले पे किया जाएगा, इनको फर्स्ट पेमेंट होगी डिविडेंड की और इनको आखिर में लास्ट में बाद में होगी। हाँ जी, वोटिंग राइट्स। ऑर्डिनरी वालों के पास वोटिंग राइट होते हैं, इनके पास एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट नहीं होता। चौथा, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सबसे पहले डेट वापस किए जाते हैं, डेट के बाद वापस किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट होती है आफ्टर डेट बट बिफोर ऑर्डिनरी शेयर्स। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इनको डेट के बाद पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर से पहले इनको सबसे आखिर में दिए जाते हैं। इसीलिए इनका क्लेम, इनको कहा जाता है इनका रेजिजुअल क्लेम है। रेजिजुअल का मतलब होता है जितना बकाया बच गया तो दे देंगे, ना बचे तो नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चार डिफरेंस हैं ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस में। हम लोग अपने इस चैप्टर के लिए प्रेफरेंस को डेट का पार्ट कंसीडर करेंगे। एक्चुअली लीगली इट इज नॉट अ डेट, बट इन इकोनॉमिक सब्सटेंस इट इज सिमिलर टू डेट। इसमें डेट वाली खूबियां ज्यादा पाई जाती हैं, इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए इसको क्या कंसिडर करेंगे, डेट। बाकी लॉ के मुताबिक ये डेट नहीं है, लॉ के मुताबिक तो ये इक्विटी है। समझ आ रही है बात आपको? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो किसी भी कंपनी के इन्वेस्टर या फाइनेंसर कंपनी से डिमांड करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ये जो रिटर्न है ये रिस्क और रिटर्न रिलेशनशिप पे बहुत बेस करता है। जितना ज्यादा किसी का रिस्क होगा वो उतना ज्यादा कंपनी से क्या डिमांड करेगा, रिटर्न रिक्वायर करेगा। तो याद रखिएगा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होगी वो कॉस्ट ऑफ डेट से कम होगी। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ डेट से कम होगी। सही बता रहा हूँ?
थोड़ा ज्यादा की बात नहीं है, रिस्क किसका ज्यादा है, तो उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा। तो जो मैं बोल रहा था वो गलत बोल रहा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, ये महंगा पैसा है, इक्विटी इज एन एक्सपेंसिव फाइनेंस और डेट इज अ चीप फाइनेंस। जी आपका क्या सवाल है? हमारे सब्जेक्ट के मुताबिक वो डिमांड नहीं भी मांगते तो कंपनी को देना पड़ता है, वजह वो लोग कंपनी के शेयर बेच देंगे, कंपनी की शेयर की मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, तो मैनेजमेंट ना चाहते हुए भी शेयर होल्डर की आंखें देख देख के उन्हें एहसास होता है कि हमें डिविडेंड देना चाहिए, क्योंकि कल को भी हमने इनसे पैसे लेने हैं। अगर हम डिविडेंड नहीं ना देंगे, लॉ तो हमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन टेक्निकली कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करना मुस्तकबिल में मुश्किल हो जाएगा। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर हमारा जो सब्जेक्ट है मैं MFA, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो हमारे हिसाब से डिविडेंड देना हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? कल को पैसे भी तो ले रहे हैं, कारोबार ने एक्सपेंशन नहीं करनी, तो एक्सपेंशन के लिए आपको जब शेयर होल्डर के पास जाना पड़ेगा, तो आप जब जाएंगे वो कहेंगे तुसी साढ़े पुराने पैसे अंदर डिविडेंड नहीं देता, उनकी लाइन हो चलो हंस जाओ। यानी शेयर होल्डर आपके शेयर की ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है, वो पैसे ना दे, आपको फिर नए लोगों की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि एक एक्सपेंसिव मेथड है पैसे इकट्ठे करने का, जिसको IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO इज एन एक्सपेंसिव वे टू रेज फंड्स। IPO शेयर इशू करते हैं नए लोगों को, जब शेयर इशू किए जाते हैं उसको IPO कहते हैं। लॉ नहीं ना पढ़ा, जान दे नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना, सही नहीं पढ़ा। अच्छा आगे चलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के और क्या नाम है? इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, और इसका क्या नाम है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर के आंसर परसेंटेजेस में आएंगे, इस पूरे चैप्टर के आंसर किस में होंगे? परसेंटेजेस में आएंगे, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि हमने कॉस्ट निकालनी है, कैपिटल की कॉस्ट परसेंटेज में रिफ्लेक्ट की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की जरूरत क्या है? आपको तो बस एक ही जरूरत है कि वो जो आपने NPV वो प्रोजेक्ट अप्रेजल करना है, उसके लिए जरूरत है। तो आपको क्यों जरूरत है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है ना, आपने उनकी डिसीजन मेकिंग करनी है, बाकी ये मकासद आपके लिए नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का मतलब है आपने किसी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी हो, आपको दो इदारे मर्ज हो रहे हो मर्जर एक्विजिशन के लिए, अगर एक इदारा दो हिस्सों में टूट रहा हो उसको कहते हैं डी मर्जर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने लिखे हैं वैसे। अगर आप एडिशनल डेट लेते हैं या एडिशनल इक्विटी लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इफेक्ट आया, तो उसके लिए भी आपको ये जरूरत होती है कि हमारी प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है और नया पैसा लेने के बाद हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। उसके बाद अगर कंपनी ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर देखना चाह रही है, कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इक्विटी रेशियो को कहते हैं, किसको कहते हैं? कंपनी को 40% डेट लेना चाहिए, 50% लेना चाहिए, 60% लेना चाहिए, कितने परसेंट कंपनी डेट ले के कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो, उसके लिए भी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। वो डेट इक्विटी रेशियो अच्छी होती है जिसपे कंपनी की वैक मिनिमम हो, ऐसी डेट इक्विटी रेशियो जिसपे आपकी वैक मिनिमम हो उसको कहते हैं ऑप्टिमल कैपिटल। ऑप्टिमल का मतलब होता है सस्ता, बेनिफिशियल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो कंपनी को ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पहला और दूसरा, सेकंड लास्ट और पहला। सेकंड लास्ट ये है कि आप नया डेट ले रहे हैं, चार डेट आपके पास थे, पांचवा आपने एक और ले लिया, वो आपसे कहता है बताओ पांचवा डेट लेने के बाद वैक क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कहते हैं वैक। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा नाम ये लिखा हुआ ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट, मैं वैक बोलूंगा बार बार, मेरी जबान पे वैक चढ़ा हुआ है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एडा लंबा लफ्ज बोलया नहीं जाता, रोजा भी है, बी स्मार्ट और की अखा फाड़ फाड़ के वेखना पे या हाँ कह दे या ना कह दे, ऐसे हैरान हुआ है जिवें मैं बम फोड़ता है। नहीं समझ आई? की नहीं समझ आई? वैक का नाम नहीं समझ आया? मैंने कहा है एक कंपनी ने चार कर्जे लिए हुए हैं, पांचवा एक कर्जा ले लेती है कंपनी, आपसे कहता है पांचवा कर्जा लेने के बाद दोबारा वैक निकाल के दिखाओ, क्या आपकी वैक बढ़ गई, क्या आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक गिर गई? ये सवाल आपको आ सकता है ना, आया पिछली दफा लास्ट पेपर में आया, ये समझ आ रही है? या कोई नया डेट लेना होगा
या पुराने किसी डेट की वापसी के बाद कहेगा दोबारा वह कट के दिखाओ भाई। नहीं समझ आ रही, चले आगे। याद करना है? नहीं, डेफिनेशन कोई नहीं याद करनी, ये याद करना है अंडरस्टैंडिंग। याद क्या करना है वो बताऊंगा, आगे चलें। वह कितनी तरह की होती है, वह कितनी तरह की होती है, वह किसे कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चार तरह की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। एक को कहते हैं करंट वैक, एक को क्या कहते हैं? मसलन एक कंपनी ने बैंक लोन लिया हुआ है और बस शेयर्स हैं, यानी एक डेट है और एक इक्विटी है, तो वो कहता है कि वैक निकालो। तो ये कंपनी की करंट वैक है, क्योंकि कंपनी के प्रेजेंटली एक लोन है और ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। अगर वो आपके तीन लोन्स हैं फिलहाल, बैंक लोन भी है, डिबेंचर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, तो जो भी आपके करंट डेट और इक्विटी है ना, उसको लेके जब आप वैक निकालेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? करंट वैक। उसके बाद रिवाइज्ड वैक क्या होती है? ये वो है जो मैं अभी बताकर आया था कि आपने एक कर्जा वापस कर दिया, एक कर्जा क्या कर दिया, कर्जा वापस करने के बाद वो कहता है दोबारा वैक निकाल के दिखाओ, उसको क्या बोलेंगे? या आपने चार कर्जे लिए हुए थे, एक शेयर थे, पांचवा कर्जा आप लेने जा रहे हैं, तो वो कहता है बताओ पांचवा कर्जा लेने के बाद आपकी वैक पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आप दोबारा रिवाइज वैक निकालेंगे, या वो बढ़ जाएगी, अगर कम हो जाए तो आपके लिए सजेस्टेड होता है कि ले लो कर्जा। आपकी वैक पहले से बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई है, जो कि आपके लिए नुकसान दे है। आपके प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या आती जाएंगी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बढ़ना अच्छा नहीं है, कम होना अच्छा है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, रिस्क एडजस्टेड वैक। और आखिरी कौन सी है? ये नहीं है सिलेबस में, काटा लगा दें, नहीं करनी। बता देता हूं क्या होती है कंबाइंड वैक। क्या होती है? दो कंपनीज हैं, जैसे जैज और वारिद आपस में मर्ज हुई हैं। जैज और वारिद, जब दो इदारे मर्ज होते हैं ना, तो दोनों इदारों के मर्ज होने के बाद जो उनकी कंबाइंड एंटिटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड वैक। ये हमेशा निकालते हैं मर्जर एक्विजिशन के लिए। ये कब निकालते हैं? जब कोई दो इदारे मर्जर की तरफ जा रहे हो या एक्विजिशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और मर्जर एक्विजिशन आपके सिलेबस में नहीं है। असल में ये नोट्स मैं फाइनल में भी इस्तेमाल करता हूँ, तो अगर आपको ये चीजें नजर आ रही है कि सर कटवा रहे हैं, मैं टाइपिंग बार बार नहीं ना करता, तो बस आपको इसलिए बता दिया कि ये आपके स्कोप का हिस्सा नहीं है, ना रिस्क एडजस्टेड वैक और ना कंबाइंड वैक आपके स्कोप का है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, रिस्क एडजस्टेड वैक ये होती है कि एक कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में है, अब वो सीमेंट सेक्टर में नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। जब भी कोई इदारा नई इंडस्ट्री में जाता है ना, तो वहां जो एनपीवी निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होती है, वो ये रिस्क एडजस्टेड वैक चाहिए होती है। कौन सी वैक? जब कोई इदारा न्यू इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, एक इदारा टेक्सटाइल में है ना, वो टेक्सटाइल में नए प्रोजेक्ट करी जा रहा है, तो करंट वैक चाहिए। जब एक इदारा टेक्सटाइल सेक्टर से निकल के सीमेंट सेक्टर की तरफ जा रहा है, तो सीमेंट सेक्टर के प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालने के लिए उसको अपनी करंट वैक नहीं चाहिए, उसको रिस्क एडजस्टेड वैक में अपना सीमेंट वाला प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालनी है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री के रिस्क और है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिस्क, दोनों के बिजनेस ऑपरेशन सेम। तो जब भी कोई इदारा न्यू इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ना, वहां पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल होगी वो कौन सी होगी? रिस्क एडजस्टेड। कोई रट्टा नहीं लगाना, आपने सिर्फ दो वैक याद रखनी है, करंट वैक। करंट वैक का मतलब है कंपनी की प्रेजेंट डेट और प्रेजेंट इक्विटी लेके वैक निकाल लो, समझ आ रही है। रिवाइज वैक कब निकालेंगे? जब या तो आपके डेट इक्विटी में कोई ना कोई एक चीज या बढ़ रही है या क्या हो रही है, कम हो रही है, समझ आ रही है, तब आपको रिवाइज वैक की जरूरत पड़ेगी, और वो आपको मांगेगा कि बताओ नया डेट लेने के बाद वैक क्या होगी, या पुराना डेट वापस करने के बाद वैक क्या होगी। ये वैक के यूजेज हैं, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है जो ऊपर मैं बता आया हूँ, ये आपने नहीं करने। ओ सॉरी, ये आपने नहीं करना, ये वाला क्या नाम है इसका, ये वाला नहीं करना, ये हाँ रिस्क एडजस्टेड नहीं करना, ये उसी की ये करना है और ये रिवाइज करना है, ये छोड़ दे बस। ये लिखा हुआ है मैंने नीचे, करंट वैक और रिवाइज वैक हमारे एमएफए में कवर होगी। अब वैक निकालने की अप्रोच क्या है, वैक निकालने के स्टेप्स क्या है, तो ये जरा नोट्स छोड़ रहा हूँ फिलहाल। वैक निकालने के स्टेप्स क्या है, अप्रोच क्या है,
किसी भी इदारे की अगर आपने वैक निकालनी है, करंट वैक निकालनी मिसाल के तौर पर, तो आप उस इदारे के सबसे पहले क्या देखें कि इस इदारे में कौन कौन से फंडिंग के सोर्सेज हैं, इस इदारे में कौन कौन से फंडिंग के, मैं मैक्सिमम लिख देता हूं, किसी एक इदारे में सबसे मेन सोर्स ऑफ फंड्स कौन सा है जिसके लिए वो कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर सकती है, ये इक्विटी है। उसके बाद दूसरा सोर्स इदारे के पास लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट नहीं लेने, कौन सा लॉन्ग टर्म डेट में इदारे के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बैंक लोन है, ये मैं मिसालें लिख रहा हूं, ये मैक्सिमम लिख रहा हूं जो आ सकती है एक सवाल में। उसके अलावा डिबेंचर, अब डिबेंचर भी कई तरह के होते हैं, इररिडीमेबल डिबेंचर होते हैं, इररिडीमेबल डिबेंचर नाकाबले वापसी, किसी को पता क्या होते हैं, आपने कंपनी पॉइंट से बात करनी है, कंपनी ने लोन लिया और कंपनी वो लोन सदा जब तक चलती रहेगी लोन इस्तेमाल करती रहेगी, लोन के असल पैसे काबिले वापसी, हाँ कंपनी उसमें इंटरेस्ट देती रहेगी, ऐसे डिबेंचर को कहते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर एक कागज का टुकड़ा है, जब कंपनी लोन लेती है लोगों से तो सबूत के तौर पर एक कागज का टुकड़ा इशू कर देती है, और वो कागज का टुकड़ा स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफरेबल होता है, ट्रेडेबल होता है, उसकी स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट वैल्यू होती है, बिकता है वो, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बिकता है वैसे प्रेफरेंस शेयर भी बिकता है, डिबेंचर भी बिकता है, बैंक लोन नहीं बिकता, बैंक लोन बिकने वाला लोन बाकी सारे कागज के टुकड़े हैं, जो जिससे लोन लिया उसको कागज का टुकड़ा सबूत के तौर पे दे दिया, या तुम खुद रखो या तुम्हें जरूरत है तो आगे बेच दे कागज, जिसके पास कागज का टुकड़ा होगा वो कंपनी से पैसे लोन के वापस ले सकता है अगर रिडीमेबल हो। इररिडीमेबल नाकाबिले वापसी लोन है, इसके बदले मुकाबले एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर 3 साल 5 साल के लिए होता है, 3 साल या कभी 10-20 साल के लिए होता है, कंपनी ने 10 साल के लिए लोन लिया, 10 साल तक इंटरेस्ट देगी, 10वें साल असल पैसे भी वापस कर देगी, वापस करने को रिडम्पशन कहते हैं। नहीं, डिबेंचर पब्लिक को इशू किए जाते हैं, जैसे शेयर्स पब्लिक को इशू किए जाते हैं, हाँ नहीं फिक्स होती है, रिडीमेबल की फिक्स होती है, बैंक लोन की वेरी करती है, बैंक लोन डेट नहीं, तो हम डेट ही लिख रहे हैं सारे, नहीं इक्विटी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर और ये आगे सारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। क्या हाँ नहीं हमारे केस में नहीं है, तुसी अकाउंटिंग जो पढ़ा हो ना पूछो पान किस्तों में नहीं। अच्छा जी अगला डिबेंचर कौन सा है, कन्वर्टेबल डिबेंचर। हाँ भाई दोस्तों क्यों होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, क्या होता है बोलना नहीं बाकी उन्हें, कन्वर्टेबल डिबेंचर बता दो। डिबेंचर अमेरिकन किताबों में डिबेंचर को बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, ACC वाले कहते हैं लोन स्टॉक या लोन नोट, तो आपकी किताब में क्योंकि ACC से भी छापा लगा हुआ है, हाँ और अमेरिकन एक दो किताबों से भी छापा लगाया, तो उन्होंने आपकी किताब में सारे नाम लिखे हैं कि डिबेंचर को टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं पाकिस्तान में, डिबेंचर को लोन स्टॉक भी कहते हैं, लोन नोट भी कहते हैं, और डिबेंचर को बॉन्ड भी कहते हैं, ये वो प्राइस बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है, इनमें थोड़ा बहुत मैच्योरिटी का फर्क होता है, 3 से 5 साल के, 5 से 10 साल के, 10 से 20 साल के, बॉन्ड हमेशा 10 से 20 साल के लंबे अरसे के डिबेंचर होते हैं, ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी कहते हैं, एक ही चीज के कई नाम है, डिबेंचर बॉन्ड्स लोन नोट्स लोन स्टॉक, ठीक है। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं बताओ भाई, कन्वर्टेबल डिबेंचर की होंगे भाई दस दो तुम बॉन्ड दस दो नहीं पता जी, हाँ जब कंपनी लोन लेती है तो इन्वेस्टर को च्वाइस दी जाती है कि वापसी पे या तो जी आवाज कट गई थी, आवाज आ रही है बेटा जी, बेटा अहद फारूक और इदरीस साहब आवाज आ रही है बताना यार, मेरे पास मैसेज आया है आवाज कट गई है,
हेलो, ओके है सर, ठीक है। तो मैं बता रहा था, कन्वर्टेबल डिबेंचर में कंपनी लोन लेती है और इन्वेस्टर को ये चॉइस देती है कि 4 साल बाद या 5 साल बाद आप अपने असल पैसे वापस ले लें, या अगर आप असल पैसे वापस ना लेने चाहें तो आप बदले में कंपनी से क्या ले लें, शेयर्स ले लें। कंपनी को फायदा ये है कि अगर वो शेयर्स लेंगे तो कंपनी की जेब से कैश नहीं जाएगा, और इन्वेस्टर को फायदा यह है कि वो कंपनी का कल को ऑनर बन जाएगा। पहले वो कंपनी का क्रेडिटर था, अब वो क्या बन जाएगा? तो कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। या वो रिडीम होंगे कैश पे, या वो शेयर्स में क्या होंगे। समझ आ रही है? ये डिफरेंट तरह के डिबेंचर हैं। आपको किसी भी सवाल में ये सारे नहीं दिए होंगे, मैंने तो सारे एक मिसाल के तौर पे लिख दिया। तो सबसे पहले आपने कंपनी की तमाम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखने हैं, ये पहला स्टेप है। फिर आपने उन तमाम सोर्सेज की क्या निकालनी है, टोटल मार्केट वैल्यू। ये मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के स्टेप्स बता रहा हूँ। आपने तमाम सोर्सेज की क्या निकालनी है, टोटल मार्केट वैल्यू। आपने तमाम सोर्सेज की निकालनी है टोटल मार्केट वैल्यू। टोटल मार्केट वैल्यू अब कैसे आएगी? ये जो ऑर्डिनरी शेयर है, ये स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त होता है, और स्टॉक एक्सचेंज में इसके एक शेयर की मार्केट प्राइस होती है, जिसको ट्रेडिंग प्राइस कहते हैं या मार्केट प्राइस कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं एक शेयर 50 रुपए का है, एक शेयर कितने का है और 1 लाख शेयर कितने के होंगे, तो आप कहेंगे सर 50 रुपए को मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख शेयर कर दें सर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू पर शेयर को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ये मार्केट प्राइस पर शेयर कहां से मिलेगी? स्टॉक एक्सचेंज से। नंबर ऑफ शेयर आपकी बैलेंस शीट में होते हैं, ये कंपनी की कहां से मिल जाएंगे, और ये मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं होती, ये आपको स्टॉक एक्सचेंज से मिलेगी। और निकालोगे ये जो मार्केट वैल्यू आती है, इसको कहते हैं वीई, इसका नाम होता है मार्केट वैल्यू को एब्रिवेशन में क्या लिखते हैं, वीई, टोटल मार्केट वैल्यू। तो मैं वैसे लिखता नहीं होता एब्रिवेशन, वैसे बता रहा हूं समझाने के लिए। प्रेफरेंस शेयर की कोई बच्चा बता सके, कोई बच्चा बता सके प्रेफरेंस शेयर की टोटल मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? यही फॉर्मूला होगा, बस वहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर लेने की बजाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर लेंगे, सेम फॉर्मूला है, और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सेम फॉर्मूला है, और इसको बोलते हैं वीपी। क्या बोल देते हैं? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ठीक है जवानो, आगे बैंक लोन एक ऐसा लोन है जो मार्केट में ट्रेड, तो इसकी जो बैलेंस शीट वाली वैल्यू ही होगी ना, वही आपको मजबूरन मार्केट वैल्यू, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू होती नहीं। नॉन करंट वाला लेंगे आप? अच्छा, नॉन करंट नहीं, वो लेकिन शॉर्ट टर्म में करना है ना, हम वैक के लिए लॉन्ग टर्म करते हैं कैलकुलेशन। वजह, जो आपने कल को प्रोजेक्ट करना है वो 1 साल का नहीं है, 5 साल वाला एनपीवी वाला प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या दिया है, पड़ेगा थोड़ा बहुत, पड़ेगा बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा मैं मानता हूँ आपको, लॉन्ग टर्म डेट्स लेने हैं। अच्छा, तो बैंक लोन में आपने हमेशा कौन सी वैल्यू लेनी है? बैलेंस शीट वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू समझना है, इसको वीडी कहते हैं बस, वैल्यू ऑफ डेट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बैंक लोन की मार्केट वैल्यू क्यों नहीं होती? क्योंकि जब कंपनी बैंक से लोन लेती है ना, तो वो जो कागज का टुकड़ा कंपनी और बैंक के दरमियान तय होता है, वो ट्रेडेबल नहीं है, इसीलिए उसकी मार्केट वैल्यू। लेकिन जब कंपनी लोन लेती है डिबेंचर के टुकड़े के बदले, तो वो जो डिबेंचर का टुकड़ा किसी को दिया होता है, वो ट्रेडेबल होता है। तो जो चीज ट्रेडेबल होती है, उसकी मार्केट वैल्यू होती है। बैंक लोन एक नॉन ट्रेडेबल डेट है। क्या है ये? इसीलिए इसकी बैलेंस शीट वैल्यू ही मार्केट वैल्यू ट्रीट की जाएगी। इज इट क्लियर? आगे बताओ, इरेडीमेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज से उठाएंगे, और इसके नंबर ऑफ डिबेंचर बैलेंस शीट से उठाएंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर कहां से उठाएंगे? आगे भी ऐसे ही फॉर्मूला है।
और समझ आती है क्या चीज? नहीं, शॉर्ट टर्म, हम उसे शॉर्ट टर्म लेते नहीं यहाँ पे एलसीज को। ऐसी बातें बैकी क्यों कर रहे हो? हैं, एलसी ओपन क्यों कराई जाती है पता आपको? एलसी वैसे भी नॉन फंडेड है, लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी होती है ना, और दोनों पार्टी को खतरा हो, ऐसा चीजा नहीं देगा, ऐसा पैसे नहीं देगा, वो आपस में एक बैंक को गारंटर रख लेते हैं, वो डॉक्यूमेंट एलसी कहलाती है। फिलहाल एलसी पैसे नहीं देती, एलसी सिर्फ सिक्योरिटी देती है, इसीलिए उसको नॉन फंडेड डॉक्यूमेंट कहते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं किया। जान दे यार, तू पता कितों कितों चीजें चुकी जाना तेरे दिमाग जो आ रहा है, तू पूछ जाना मुड़िया एलसी। अच्छा, इन सबको जमा कर देंगे तो ये टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी सारे फंड्स की, समझ आ रही है? इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। अगर आप इक्विटी और डेट्स की मार्केट वैल्यू या इक्विटी और डेट की तमाम वैल्यू जमा करते हैं तो इसको अकाउंटिंग की जबान में क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपका टोटल वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड है। असल में यहां तक मुझे बताएं, किसी का कोई मसला? मेरा बाप से एक सवाल है, बच्चों वाला सवाल है, लेकिन ये सवाल का जवाब कई लोगों को नहीं आता। ये मैंने आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट दे दी है, इसमें मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए के, और एक प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू 1 रुपीज है, और एक मैंने आपको दे दिए रिडीमेबल डिबेंचर। क्या दे दिए? और वो है 8 लाख रुपए के। सवाल मेरा ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे? प्रेफरेंस शेयर के 5 लाख होंगे वो कहते हैं, और डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होंगे? नहीं नहीं, बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू नहीं होती, पार वैल्यू होती है जी। दसो पॉइंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसकी भी पार वैल्यू होती है भाई। दसो, तुहानू पता होना चाहिए, अकाउंटिंग तुसी पढ़ी है। 10 से क्यों डिवाइड करेंगे? गलत। शेयर की पार वैल्यू 10 होती है ऑर्डिनरी शेयर की, डिबेंचर की पार वैल्यू फिक्स है 100 रुपए। अगर साइलेंट हो पुठी गल्ला सुनाने मेनू मुंडिया, अगर पार वैल्यू ना बताई हो तो शेयर, ऑर्डिनरी शेयर की पार वैल्यू 10 है, डिबेंचर की पार वैल्यू आपने कितनी अज्यूम करनी है? प्रेफरेंस की वाणी अज्यूम करनी है, ठीक है? एक डिबेंचर कितने का अज्यूम होगा? कॉमन सेंस ये थी। अब आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल सकते हैं जो भी आते हैं, 8000। अब ये ना कह देना पार वैल्यू नहीं दी हुई, ताड़ी मेहरबानी, अकाउंटिंग तुसी पढ़ के आए हो, मैं सिर्फ रिमाइंडर दे रहा हूँ, रिफ्रेशर है ये बात आपने पढ़ी हुई है अकाउंटिंग में कि डिबेंचर की पार वैल्यू ना दियो तो 100 रुपए। नहीं भी पढ़ी तो अब याद कर लो। आप कहते हैं नहीं सर हमने नहीं पढ़ी हुई ये बातें, वहां बताता था। तो अगर नहीं पढ़ी हुई तो आप याद कर लो, हमारे सब्जेक्ट में डिबेंचर की पार वैल्यू अगर ना बताई हो तो हमेशा एक डिबेंचर कितनी पार वैल्यू का है, और मार्केट में ये 100 से कम पे भी ट्रेड हो सकता है, और ये 100 से, अगर ये 100 से ज्यादा पे ट्रेड होगा तो उसे कहते हैं प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, और अगर 100 से कम पे ट्रेड होगा तो, लेकिन ट्रेड होता है, खरीदो फरोख्त होता है। और समझ आ रही है जवान? वो कहते हैं ये नहीं पढ़ी, चलो मैं दसता ना, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, एक डिबेंचर कितने का है ना बताया हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालोगे। ये सवालों में पॉइंट होता है कि सर वहां तो डिबेंचर की पार वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो नहीं दी थी तो अज्यूम कर लो एक डिबेंचर कितने का। नहीं समझ आई? अच्छा, टोटल मार्केट वैल्यू के बाद आपको अब हर सोर्स की क्या निकालनी पड़ती है? इंडिविजुअल कॉस्ट। क्या निकालनी पड़ती है? हर सोर्स की। यहां सवाल आपका बड़ा लंबा हो जाता है परसेंटेज में, ये काम बड़ा लंबा हो जाता है। इंडिविजुअल कॉस्ट यानी जो ऑर्डिनरी शेयर है उसकी कॉस्ट को कहते हैं KE। क्या कहते हैं उसको? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मिसाल के तौर पर ये 12% है, ये आपको दी नहीं होगी, ये आप वर्किंग करके निकालेंगे, ये वर्किंग करके निकालेंगे। उसके बाद ये जो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना होता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ रन KP। मिसाल के तौर पर वो जी नहीं, नहीं नहीं नहीं
ऐसे नहीं होगा। केपी समझ आ गया? केपी आगे बैंक लोन में आगे सारे नीचे में कॉस्ट टैक्स वाली बात अभी नहीं बता रहा, बाद में बात करेंगे। ये जितने नीचे वाले लोन है इनकी कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स की 1 माइनस 3। मिसाल के ये 6 है, ये भी नहीं दी होगी, ये निकालनी पड़ेगी सारा से जो आप परसेंटेजेस में। इस सवाल में ये सारा प्लंदा हुआ आप समझ ले, सवाल बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन वो सवाल फिर 18 से 20 नंबर का बनेगा और ये फाइनल में आता है इतना लंबा सवाल। आप समझ ले आपको पेपर में मुश्किल से एक ऑर्डिनरी शेयर तो आने एक डेट दे देगा या मैक्सिमम देगा 2 डेट, 2 से आगे नहीं जाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने जो मॉडल पेपर देखा 8 नंबर का सवाल, लास्ट टाइम में पेपर आया मेरा ख्याल है 10 नंबर का सवाल मैक्स, तो आप 8 से 12 नंबर की हैसियत ज़हन में रखो अपने। आपने ये टेबल फिल करना होगा पेपर में, ये आपको सोर्सेज बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से पता चल जाएंगे, मार्केट वैल्यू आप निकालेंगे, इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल लेंगे। ये कैसे निकालनी है ये हमारा कल का टॉपिक है, आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन ये अब हमने पढ़ना ही आगे चैप्टर में ये है कि ये केई कैसे निकालते हैं, केपी कैसे निकालते हैं, ये बाकी सारे केडी कैसे निकालते हैं। हर डेट को निकालने का तरीका अपना अपना है, हर डेट की कॉस्ट निकालने का तरीका, तो जितने डेट हैं सबका फॉर्मूला अलग अलग है। तो इस चैप्टर में फुल ऑफ फॉर्मूले हैं, फुल बटा फुल फॉर्मूले रट्टा लगाने, कल मैंने सुनने हैं कोटा लगा के आने हैं, पीने नहीं है याद रखने हैं, पी गए तो गए फिर तो किसी और चले जाने नहीं जे पी लेते। अच्छा आफ्टर टैक्स को कहते हैं, ये अभी नहीं बताना मैंने कहा है, बाद में बताएंगे, मैं बताता हूँ अभी, जब आपकी छुट्टी होगी मैं बताऊंगा केड़े याद करने जे। चलो भाई जवानों बताओ समझ आ गई है? अच्छा अब आपने ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकालनी है, ये देखिए जरा इधर, आपने ये जो 12% की कॉस्ट है इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो VE डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू, इससे ये एक रेशियो सी बन जाएगी, VE डिवाइडेड बाय इसे कहते हैं वेट, क्या बन रहा है ये, वेटेड एवरेज में लफ्ज है ना वेट, तो ये वेट बन रहा है रेशियो। तो आपने हर पैसे का वेट निकालना है पहले, इस वेट का मतलब होता है कि टोटल सरमाए में शेयर्स कितने परसेंट, हम ऑर्डिनरी शेयर से कितने फीसद पैसा लेते हैं, टोटल सरमाए में हम बैंक लोन से कितने फीसद पैसा लेते हैं, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट वेट बन रहा है। कैसे निकालना है, जो वी की रकम होगी उसको डिवाइडेड बाय किसे करना है और इनटू ये कॉस्ट। इसी तरह जो अगला है 10% इनटू टोटल, हाँ डिवाइडेड आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, एक ये भी आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, आगे 8%, ये सारा एज्यूम फिगर है, इनटू वीडी डिवाइड, नीचे डिवाइड में हमेशा क्या आनी है टोटल मार्केट वैल्यू, और ऊपर वो डेट की वैल्यू आनी है जो यहाँ पे लिखी है वीडी ओवर, उसके बाद 7% मिसाल के तौर पर, फिर ये वाला वीडी टोटल मार्केट, ये लिखा हुआ है नोट्स में सब कुछ, जिस परसेंटेजेस को फिर आपने ऐड अप कर लेना है, इन तमाम परसेंटेजेस को क्या कर लेना है, ये ऐड करके जो सिंगल परसेंटेज आएगी ये आपकी पूरी कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, ये वो परसेंटेज होगी जो एनपीवी के चैप्टर में दी होती थी, एनपीवी के चैप्टर में जो आपको वो एक परसेंटेज नहीं देता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो ये होगी, ये जो आखिरी जवाब आ रहा है ये, ठीक है। कितने कॉलम है, 4, पहला कॉलम सोर्सेज लिखने हैं, फिर उनकी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू वेट निकालने के लिए लिख रहे हैं, वेट निकालने से बाद में, और इंडिविजुअल कॉस्ट, और एक बात मैं बता दूं कॉमन सेंस की बात है, मेरे स्टेबल में बड़ी से बड़ी कॉस्ट कितनी है इंडिविजुअल वाली, छोटी से छोटी, तो आपका जो वैक का जवाब आएगा, क्योंकि वो एक एवरेज है, वो 12 से ऊपर नहीं आ सकता कभी, और कभी 4 से नीचे नहीं आएगा, वो इनके इन बिटवीन ही होगा कहीं, बात समझ आ रही है, और मैथ है, 4% से कम जवाब नहीं हो सकता इसका, और 12 से, अगर किसी का 18% जवाब आ जाए सवाल में तो मैं कहूंगा गोंगलू बच्चा है।
उसको खुद पता चल जाएगा यार मैंने गलती की है, क्योंकि इंडिविजुअल कॉस्ट ही 18 नहीं है तो यार कितों 18 आ गई। कॉमन सेंस है ना, मैथ है, मैथ हमेशा एवरेज, हमेशा लो और हाई, मिडल, मिडल एवरेज होती है, मिडल है। नहीं समझ आ रही, कर लोगे इंशाल्लाह। एग्जाम्पल 2.1 करो, चलो नोट्स में से होने ही करनी, और अभी तो टाइम पड़ा है यार, ऐसी बातें ना किया कर, आतंकवादी है तू क्लास का, घुस बैठिए। चल तेरी मेहरबानी सवाल कर, ये पढ़ लेना अप्रोच खुद ही। अब वो मैं यहाँ से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, ये टेबल सा बनाया हुआ है मैंने, ये टेबल बना हुआ है, ये एग्जाम्पल करो 2.1 आई कैप की किताब में से है। अब देखो आई कैप की किताब का सवाल है ये, और एंड पे जो सवाल एग्जाम लेवल क्वेश्चन दिए होते हैं, ये एग्जाम लेवल क्वेश्चन है आई कैप की किताब का, तो मैं उसको पहले एग्जाम्पल के तौर पे करा रहा हूँ, ये आई कैप की किताब से करा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आई कैप का लेवल कहाँ पे है इस चैप्टर में। इतना मुश्किल नहीं होगा, मैं जरा मुश्किल प्रैक्टिस करा दूंगा, मैं अभी बता रहा हूँ। मैं थोड़ी सवाल नहीं है ना, तो मैं फाइनल से उठा उठा के लाया हूँ थोड़े से सवाल आसान वाले। आपका दिल चाहेगा सर बड़ी मुश्किल प्रैक्टिस है, पेपर में थोड़ी आसान आनी है, हमारे पास आई कैप के आपके लेवल के सवाल नहीं है, मजबूरी है आपके लेवल के सवाल। तो उस चैप्टर उस किताब में फाइनल में से जो भी किताब में छोटी छोटी मिसालें थी वो मैंने उठा ली हैं। चलो भाई चलो, जो आने करो वैक निकालो, देखते हैं कौन करता है सही आंसर। देखें वो क्या कहता है क्वेश्चन में, वो कहता है एक कंपनी के 10 मिलियन शेयर्स हैं, इसके साथ लिखा हुआ 10 मिलियन रुपीज नहीं लिखा हुआ, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये क्या है ठीक है, विद अ वैल्यू ऑफ 4.20। शेयर की वैल्यू कितनी है, हमने कहा था पार वैल्यू 10 होती है, तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये मार्केट वैल्यू पर शेयर दी हुई है, ईच विद अ वैल्यू ऑफ 4.20। जब आप इसको 4.20 को 10 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 मिलियन आ जाएगी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। इस पे किसी को कोई इतराज हो, टोटल, हाँ टोटल मार्केट वैल्यू कितने मिलियन आ जाएगी, सोर्सेज ऑफ फंड्स, अगर मैं ऑर्डिनरी शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू लिखूं तो वो आएगी 4.20 इंटू 10 मिलियन शेयर्स, तो 42 मिलियन टोटल मार्केट वैल्यू आगे। और उसकी जो ये कॉस्ट है, ये के ही दी हुई है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, इंडिविजुअल कॉस्ट 7.5%। इट हैज रुपीज 30 मिलियन 5% बॉन्ड, ये जो बॉन्ड के साथ 5% लिखा होता है ये उसका इंटरेस्ट रेट होता है, हमें कॉस्ट चाहिए, इस इंटरेस्ट रेट की बेस पे कॉस्ट निकाली हुई है इसने, ये 3.5% ठीक है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसकी बेस पे कॉस्ट निकाल दी हुई है ठीक है, तो आपको ये नहीं चाहिए, ये इग्नोर करें। 30 मिलियन नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, ये 30 मिलियन रुपए हैं, 30 मिलियन रुपए हैं, नहीं 30 मिलियन रुपए हैं एक बॉन्ड की मार्केट, ये पार वैल्यू है, फिर एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी है 101। तो अब आपको बॉन्ड्स, एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है 101 रुपए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं दिए हुए, तो मैंने कहा था एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू या डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 100 रुपए होती है, दसी जी भूल गए, सवाल ही ऐसा आई कि आपने दिया है, और मैंने भी पहला वो रखा है जो अभी बता के आया था थोड़ी देर पहले, हमें पता होता है लेकिन सवाल जब आता है तो दिमाग में पॉइंट सही दफा आ जाए तो आप कामयाब है, अगर सही जगह पे आपको वो बात याद ना आए तो समझ लें फिर हम कमजोर हैं। तो बेटा ये 30 मिलियन नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, ये 30 मिलियन रुपीज है, तो ये बैलेंस शीट में ऐसे नजर आ रहे होंगे, ये 30 मिलियन रुपीज के बॉन्ड नजर आ रहे होंगे, और एक बॉन्ड की पार वैल्यू ना बताइए हो तो 100 होती है, तो ये कितने मिलियन नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, 0.3 मिलियन, 101 मार्केट वैल्यू है, पार वैल्यू नहीं है, गलत है, गलत है, तुक्का लग गया तुम्हारा जी। क्या कहते हो भाईजन, जब भी कोई बॉन्ड की वैल्यू दी हो तो ये पार वैल्यू दी होगी, मार्केट वैल्यू निकालनी है आपने, मार्केट वैल्यू दे दे तो सवाल ही खत्म, आसान हो जाएगा।
तो 101 इनटू 0.3 मिलियन नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या आता है ये 30.3 मिलियन। आगे इसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ये चाहिए होती है, ये इंडिविजुअल कॉस्ट है 3.5%। ये इधर कॉपी करनी है। इस 5% का क्यों कुछ नहीं करना, एक्चुअली ये 5% का जो इंटरेस्ट रेट है इसकी मदद से ही ये 3.5% निकला होता है, हमें अभी वो आता नहीं निकालना। लेकिन जवाब निकाल के दिया हुआ ना आफ्टर टैक्स कॉस्ट का, हमें ये चाहिए। बैंक लोन उसकी वही मेरी वैल्यू आ जाएगी 5 मिलियन और उसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट है प्रेफरेंस शेयर, इट हैज 2 मिलियन, इसके साथ रुपीज नहीं लिखा हुआ। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं और ये 8% प्रेफरेंस डिविडेंड है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट चाहिए ये 6%। ये 8% जो ये डिबेंचर के साथ, बॉन्ड के साथ या प्रेफरेंस शेयर के साथ लिखा होता है ये उसका रेट होता है, कॉस्ट नहीं है उसकी। तो प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू 1 रुपया, मार्केट प्राइस कितनी है 1.33। तो मेरा ख्याल है ये आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर 1.33 इंटू 2 मिलियन शेयर्स, 2 पॉइंट टोटल करें तो 79.99। तो आखिरी कॉलम क्या होता है, ये पहला कॉलम था, ये हमारा दूसरा कॉलम था, ये तीसरा, चौथा कॉलम होता है ओवरऑल। तो अब आपको ये ऐसे करना पड़ेगा 7.5% इंटू 42 मिलियन डिवाइडेड बाय ये टोटल, बस नहीं नहीं ये तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 100 क्यों, क्या आता है ये, वो लिखे वो मैंने कहा था 1-t होगा, तो वो उसने पहले ही आफ्टर करके दे दिया ना, 1-t को आफ्टर टैक्स कहते हैं। जब आपको आफ्टर टैक्स कर दिया तो आपको जरूरत ही नहीं 1-t करने की। और चलो जवानों बताओ मुझे, आगे पास साबित हुआ सवाल को पढ़ना बड़ा अच्छा आना चाहिए, देन हम सही कर लेंगे। क्या, हाँ जी, ये जो 8% है ये रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड है, हाँ, लेकिन इस डिविडेंड को कॉस्ट में कन्वर्ट करके ये जवाब निकला हुआ है। अब वो फॉर्मूला आपको नहीं ना पता, नहीं तो आप कहेंगे डिविडेंड रेट ही कॉस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, उसके फॉर्मूले में ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से आंसर चेंज आता है। ये अभी हमने करना नहीं कंसिडर क्योंकि जवाब निकाल के दिया हुआ है, अगर ये जवाब ना दिया होता फिर हमें इसकी मदद से निकालना पड़ना था। तो इस सारे को सॉल्व करके जमा करेंगे तो 5.67% आएगा, 5.67%। और समझ आ गई है, नहीं समझ आई, आगे चलें। ये हो गया, नेक्स्ट आ जाइए आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। तो ये डायग्राम सी बना लें जरा, आपके पास नोट्स में जगह होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे। वो जो आपने वर्किंग वन करनी है ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये टेबल में मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो टेबल में आपको 7.5% दिया हुआ था, ये कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हम अब क्या डिस्कस करने लगे हैं। ये जो मैंने कहा नहीं था W1 W2 होगा, किधर गया वो टेबल, ये वाली वर्किंग में ये जो 12% यही है, ये कैसे निकलता है, हम ये सीखने लगे आप, बाकी कल करेंगे, बस आज इसके थोड़े से फॉर्मूले लिख लें ताकि आप याद कर सकें। तो आपने रटाई लगा के आना है, प्रैक्टिस कल करेंगे हम। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 3 तरीके हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के कितने तरीके हैं टोटल, 3 तरीके हैं। पहले तरीके का नाम है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद जीरो ग्रोथ, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद जीरो ग्रोथ या विद नो ग्रोथ,
जिसका मतलब है डिविडेंड नहीं बढ़ेगा। क्या नाम है? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद जीरो ग्रोथ। दूसरा है, इसी की शक्ल है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद कॉन्स्टेंट ग्रोथ, यानी हर साल डिविडेंड बढ़ेगा लेकिन एक फिक्स परसेंटेज से। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विद कॉन्स्टेंट ग्रोथ। तीसरा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो ये तीन मेथड्स हैं आपके सिलेबस में, फाइनल में जाकर आप ज्यादा कर लेंगे। तो कैपम, शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं कैपम, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। हाँ जी, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विदाउट ग्रोथ, यानी विद जीरो ग्रोथ जिसे कहते हैं, या विद कॉन्स्टेंट ग्रोथ। क्या ये बात समझ आ रही है? असल में ये जो डिविडेंड मॉडल है, ये जो डिविडेंड के दोनों मॉडल है, ये एक्चुअली कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के मॉडल नहीं है, ये एक्चुअली शेयर की मार्केट वैल्यू निकालने के मॉडल है। असल में ये किस चीज के मॉडल है? डिविडेंड्स की मदद से और केई की मदद से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के ये मॉडल है। दोबारा सुन ले, डिविडेंड लव्स वैल्यूएशन लिखा हुआ था उसमें, मेथड के नाम में क्या लिखा हुआ है? तो इस मेथड का असल मकसद शेयर की मार्केट वैल्यू निकालना है। हम इस फॉर्मूले को ना रीअरेंज करके जुगाड़ लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं एक्चुअली। तो असल में इसका फॉर्मूला जो था ना, वो मार्केट वैल्यू के लिए ये है, यानी ये फॉर्मूला मार्केट वैल्यू के लिए है, डी डिवाइडेड बाय के। क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज इक्वल टू क्या होती है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये आपको अगर थोड़ी सी किसी को अंडरस्टैंडिंग हो ना, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का फॉर्मूला लगा हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी के फॉर्मूले में किसी को याद है? कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर, ये वन डिवाइडेड है, ये भी तो बन सकता है ना, कैश फ्लो ओवर आर। तो ये आप एक्चुअली, ये मॉडल ये कहता है, अगर किसी कंपनी के फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाए ना, अगर किसी कंपनी के शेयर के फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, तो जितनी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी डिविडेंड्स की, वो शेयर की मार्केट वैल्यू होगी। ये मॉडल क्या कहता है? अगर आपको कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो कंपनी के फ्यूचर डिविडेंड्स की निकालें। तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकली हुई है, ये फॉर्मूला एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू का है, ये वाला जिसमें ये लिखा हुआ था मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय के। आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, आपको तो बस ये याद रखना है कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल असल में किस चीज का मॉडल है? के ई का, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का मॉडल है। ये के ई निकालने का मॉडल, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं के ई के लिए, यानी मैंने अगर के ई निकालनी हो, तो फिर ये आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैंने वो निकालनी हो, क्या नाम है, के ई, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो अब आपको ये दोनों याद रखनी है। मैंने कल आपसे पूछना है, अगर डिविडेंड मॉडल से मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला है, और अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो फॉर्मूला रीअरेंज करके क्या बनेगा? असल फॉर्मूला ये नहीं है, असल फॉर्मूला ये है और ये फॉर्मूला रीअरेंज। तो अगर आपसे कोई कहना कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का मॉडल है, तो वो बात सही नहीं है। मैंने भी आपको बात पहले आधी गलत बताई, एक्चुअली ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का मॉडल है, उसी को रीअरेंज करो तो उससे क्या निकल आती है, यानी अगर आपको डिविडेंड और मार्केट वैल्यू दी हो तो के ही आ जाएगी, और अगर डिविडेंड और के ही दी हो तो और कर लोगे यार, इसमें डी से क्या मुराद है? ऑर्डिनरी डिविडेंड पर शेयर। डी से क्या मुराद है? ऑर्डिनरी डिविडेंड पर शेयर, मोस्टली टोटल में भी ले सकते हैं। डी से मुराद है डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड पर शेयर, जो कि रुपीज में होगा। और एम वी से क्या मुराद है? मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर। और इसके साथ आगे एक होता है लव्स एक्स डिव, तो इधर भी छोटा सा लिख दें एक्स डिव। एक्स डिव का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। एक्स डिव का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। एक मार्केट वैल्यू इंक्लूडिंग डिविडेंड भी होती है,
मार्केट वैल्यू इंक्लूडिंग डिविडेंड नहीं लेनी, मार्केट वैल्यू क्या लेनी है? ई एक्स का मतलब है एक्सक्लूडिंग, यानी डिविडेंड माइनस करके, डिविडेंड माइनस करके। इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी नहीं, बस आप अभी आप ये याद कर ले कि एम वी का मतलब मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग डिविडेंड है, के ई का क्या मतलब है कॉस्ट ऑफ, तो ये दोनों अब आपने याद करने, ये और ये। अच्छा, इधर मार्केट वैल्यू निकालने का जो मॉडल फॉर्मूला है असल में वो ये है, डी वन डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। ये भी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, लेकिन ये आपने पढ़ी नहीं हुई, आपको फॉर्मूलों की डेरिवेशन करने की जरूरत, बस आपको ये याद रखना है कि विद ग्रोथ में मार्केट वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। डी वन बताता हूँ क्या होता है, डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। अगर आप इसको रीअरेंज करें, अगर आप इसको क्या करें और के ई निकालनी हो, तो अब आपने मुझे बताना है कि इसको चेंज करके फॉर्मूला क्या बनेगा। डी वन डिवाइडेड बाय, और इस एम वी के साथ भी क्या है एक्स डिव, आपने बस एम वी कहना है मार्केट वैल्यू, एक्स डिव एज्यूम्ड होता है, ठीक है। हाँ, अगर एक्स डिव नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। पहला वाला फॉर्मूला मार्केट वैल्यू का है, दूसरा वाला फॉर्मूला हाँ उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके विद ग्रोथ के ही निकाल रहे हैं। अब इसमें डी वन से क्या मुराद है, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, और वे के दसी जाना है। डी वन का मतलब है डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, हाँ डी, आज का डिविडेंड को डी जीरो कहेंगे, ये वो इन्फ्लेशन वाला काम है। अगर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या, तो फिर भी जीरो ही मुराद है। हाँ जी, डी वन का मतलब क्या है, डिविडेंड ऑफ, तो आज का डिविडेंड अगर आपको दिया हो तो उसको डी जीरो कहते हैं, उसको इन्फ्लेट कर लें तो ये डी वन आ जाएगा। अगर डी वन ना दिया हो, अगर आपको डिविडेंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर ना दिया हो, तो आपको करंट ईयर का या रीसेंट ईयर का डिविडेंड दिया होगा, उसको इन्फ्लेट कर लें। वो समझ आ रही है, वो जो जीरो और वन वाला ही कॉन्सेप्ट, जीरो का मतलब, डी जीरो का मतलब करंट ईयर का डिविडेंड है, और डी वन का मतलब नेक्स्ट ईयर का, अगले साल का डिविडेंड, तो डी वन लेना है आपने। जी का मतलब है कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, यही ग्रोथ रेट जी दिया हुआ है, डिविडेंड का ग्रोथ रेट ही ग्रोथ इन्फ्लेशन रेट है। तो क्या है जी आपका जी, अच्छा अब ये जी आपको दिया भी हो सकता है, या ये जी आपको क्या करना पड़ सकता है, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, जी को कैलकुलेट करने के भी बस आज इतना ही, क्योंकि वो फिर आपका आपको याद नहीं होगा, वो मिक्स हो जाना है, तो आपने इसका जरा कोटा लगा के आना है कल इन चारों फॉर्मूलों का, जिसको फॉर्मूला, अच्छा मैं कल प्रैक्टिस कराऊंगा पहले, वो होगा क्या, जिसको फॉर्मूला याद होगा ना वो तो फटाफट करता रहेगा, तो जिसको याद नहीं होगा वो ये सोचेगा केड़ा फॉर्मूला लाना है। तो सबसे पहले आपने सवाल में देखना है डिविडेंड की ग्रोथ दी है नहीं दी, ग्रोथ वाला प्रेफरेबल है, ग्रोथ वाला तरीका प्रेफरेबल है। ये आपके पास जो वहां पे खाली जगह है ये इसलिए छोड़ी हुई थी ताकि आप इस पे ये फॉर्मूले लिख सकें, ये सारा कुछ अगले सफों पे बताया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला मैंने नोट्स में नहीं लिखा हुआ, जानबूझ के नहीं लिखा हुआ, तो लेकिन सवाल आया हुआ है कि आपकी किताब में कि मार्केट वैल्यू भी निकाल के दिखाओ इस चैप्टर में, हालांकि वो इस चैप्टर का काम है नहीं, लेकिन वो कह सकता है, वो कहना है भाई दो में कम करके दिखाओ चैप्टर से, चलो बस ठीक है, किसी ने कोई एनपीवी वाले चैप्टर में सवाल पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। हाँ इसीलिए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी फ्लक्चुएट करेगी, कूपन रेट या डिविडेंड रेट फिक्स रहता है, इसी तरह निकलता है, ये कंपनीज निकालती हैं इन्वेस्टर को दिखाने के लिए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं इसको कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो ये कंपनी पास शेयर जिसके पास
पास होते हैं वो भी निकाल सकता है ये, वो तो वैसे भी थोड़ी सी ऊपर करके बेच देता है कि ये मार्केट है। हाँ, लेकिन वो अगर अकलमंद हो तो वो देखे मेरे शेयर की असल वर्थ क्या बनती है, मुझे कितनी प्राइस पे बेचना चाहिए, या खरीदने से पहले वो ये निकाले मुझे ये शेयर इतने का लेना चाहिए कि नहीं। जी जी बेटा, इंश्योरेंस की, एक मिनट। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे हो भजन?